हाँ जी माता जी, हो गई। ठीक है। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 12। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री कुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सह गण ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत भगवद्गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। तो आज का ये जो श्लोक है ये थोड़ा फिलोसफिकल है और वेरी इम्पोर्टेंट श्लोक। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो न त्वे अहम् जातु नासम् न त्वे अहम् जातु नासम् न आसम् न त्वयम् न इमे न आसम् न त्वयम् न इमे। सॉरी एक मिनट, हम इसको संधि विक्षेप नहीं पढ़ेंगे, ऊपर वाला पढ़ेंगे। त्वेवाहं जातु नासम् न त्वं मे पेजनाधिपा न त्वं मे पेजनाधिपा न चैव न भविष्यामा न चैव न भविष्यामा। सर्वे वयमतः परम् सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ और तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में लोग नहीं रहेंगे। तात्पर्य यमुना माता जी पढ़िए, यमुना सुंदरी माता जी। तात्पर्य वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेता श्वेतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतस चेतनाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान त्मा तमस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरस तेषां शांति शाश्वती ने तरेशम। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान ये स्पष्ट कहते हैं कि वह स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं एक मिनट यमुना संधि माता जी, सॉरी आप अपने आप को थोड़ा म्यूट कीजिए, आपकी तरफ से बहुत आवाज आ रही है, बैकग्राउंड आवाज बहुत आ रही है, थोड़ा अपने आप को किसी रूम में रखिए जहाँ पे आवाज कम आए बेटा। थैंक यू सो मच। भगवान परम पुरुष हैं तथा उनका तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा, अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा, यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण माया वश नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य ना होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क
कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा? कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवद गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के चार अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है, कोई भी संसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहादि बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद ये कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी व्यक्त को दोहराते हैं? माता जी, मेरी आवाज रिपीट हो रही है। आपकी आवाज रिपीट हो रही है, मतलब आपको क्लियर आ रही है ना? मुझे तो क्लियर आ रही है बेटा। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा गये है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं, उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अब भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवद गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं, जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है। ना ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सराकार भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है, वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है, तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। तो अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, उसने रीजन दिए, फिर रीजन दिए, और उसके बाद वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान उसके रीजन पर हंसते हैं और कहते हैं, पंडितों की तरह बातें तो बहुत करते हो, लेकिन जिन चीजों के लिए शोक करना चाहिए उस पर शोक नहीं कर रहे हो, और जिन पर नहीं करना चाहिए तो उस पर शोक कर रहे हो। उसके बाद भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पीछे अर्जुन ने कहा था कि मैं अपने गुरु की हत्या कैसे करूं, प्रियजनों की हत्या कैसे कर, अगर मैं विजयी भी होता हूँ तो उनके रक्त से सने सिंहासन पर मैं कैसे राज्य करूंगा, इससे अच्छा मैं भिक्षाचरण करके अपना जीविका चला लूं। मैं जानता हूँ कि वो लोग बहुत खराब हैं, उन्होंने बहुत से आतत्यायी कर्म किए हैं, लेकिन फिर भी उनका वध करना मेरे लिए मुझे लगता है कि उचित नहीं है, क्योंकि वो मेरे गुरुजन है, बड़े लोग हैं और मैं उनसे बहुत स्नेह करता हूँ। तो उसके जवाब में श्रील प्रभुपाद जो है इस, जब ये परपोट भगवान देते हैं, तो प्रभुपाद ने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि इस कुछ श्लोकों को लेकर अलग अलग फिलोसोफर जो कि भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं अपनी अलग अलग राय देते हैं और क्या कहते हैं कि भगवान महान नहीं है, बल्कि किसी तरह से अर्जुन जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है कि मॉरल साइंस है ना, कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें गुरुजनों को से वाक्य युद्ध तक नहीं करना चाहिए, सदैव रेस्पेक्टफुल होते हैं। सो दिस काइंड ऑफ द फिलॉसफी इज देयर, तो हाउ वी कैन काउंटर एक्ट इफ समवन इज इलीगल भी कर रहे हैं, अधार्मिक कृत्य भी कर रहे हैं, तो तब हमें उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, हमारे जो बड़े लोग हैं या जिनके अंदर में हम रह रहे हैं। तो भगवान उसके स्नेह बंधन को समझ रहे हैं, अर्जुन उनसे बहुत प्रेम करता है इसलिए उनकी गलतियों को भी वो नहीं देख रहा है। तो हमारे अंदर भी यही है, हम भी अपने लोगों को इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इस शरीर से हम इतना प्रेम करते हैं, हाँ,
ठीक है ना, विष्णु अवतार प्रभु जी है ना, इस शरीर से हमें इतना प्रेम रहता है कि हम जानते हैं, देख रहे हैं, है ना, पश्यन्ति न पश्यति, है ना, देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि देह आपत्य कलत्र आधीशु, है ना, असत्य सैन्यशु आत्म सैन्यशु असत्य अपि, अर्थात तेषाम प्राय निधनम पश्यन अपि न पश्यति। इसका क्या मतलब है, श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक है कि हम जो असत्य सैन्य है, हमारे आत्म सैन्य जो है वो असत्य सैन्य, आत्म सैन्य का मतलब होता है हमारा ये शरीर, इसे बहुत लगाव है ना, देह, ओके, देह के बाद कहता है हमारे पुत्र, हमारे बेटे, हमारा बेटी, इनसे लगाव होता है, आपत्य, और फिर कल्प आदेशु, पत्नी, संगे संबंधी, भाई बहन, पड़ोसी नाती, देशवासी तो क्या होता है, इनसे हमारा लगाव होता है। इसलिए हम कभी भी प्रॉब्लम ऑफ लाइफ के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं करते, जीवन क्या है, जीवन की समस्या क्या है, और खाली खाली जिज्ञासा ही नहीं, हम देखते हैं कि ये सब मर जाएंगे, हम देख रहे हैं कि सब मृत्यु के चक्कर में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कोरोना वायरस जैसे वायरस आते रहते हैं, हम देख रहे हैं कि बुढ़ापा आता है, लेकिन देख कर भी अनजान बने रहते हैं कि हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, पश्यन अपि न पश्यति, देख कर भी नहीं देखते। तो भगवान यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जो स्नेह के कारण अर्जुन जो है ये इस तरह के उसके अंदर कार्पण्य दोष आ गया है, हृदय की दुर्बलता आ गई है और वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे समय आता है जब हम कोई हार्ड डिसीजन लेना होता है या धर्म के साथ रहना पड़ता है और हमारे प्रिय जन जो होते हैं वो हमें फोर्स करते हैं, लेकिन हम अपने पिता से, अपने पुत्र से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से या अपने शरीर से इतना प्यार करते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है कि हम धर्म का पालन करें या ना करें, है ना। ऐसा बहुत सिचुएशन हम देखते हैं जैसा अर्जुन आज देख रहे हैं असमंजस की स्थिति में, तो भगवान वहां पे इस प्रॉब्लम का सलूशन, स्नेह बंधन को समझ गए हैं भगवान और उसका जवाब दे रहे हैं। भगवान ने कहा है कि तुम जो सोच रहे हो कि ऐसा कभी नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, कि तुम नहीं रहे हो और मैं नहीं रहा, तो ईश्वर और जीव दोनों सच्चिदानंद हैं और दोनों हमेशा रहते हैं, है ना। भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं ना रहा हूं और तुम ना रहे, और ये जो तुम्हारे जो सगे संबंधी है ये भी हमेशा ही रहे और आगे भी रहेंगे। समझ में आ गया क्या बोल रहे भगवान, कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले भी ये नहीं थे और अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेंगे, मैं भी था, हूं और रहूंगा, तुम भी रहोगे, थे भी, पहले भी थे, अभी भी हो और आगे भी रहोगे, और ये तुम्हारे जितने रिलेटिव्स है ना ये भी आत्मा है, तो ये भी थे, हैं और रहेंगे, तो भविष्य में भी ये रहेंगे। तो इससे क्या इंडिकेशन मिलता है, तो श्री कृपा यहाँ पे बताते हैं कि जीव जो होते हैं श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म और कर्म फलों के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है। वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं, केवल साधु पुरुष ही अंदर और बाहर देख पाते हैं, और किसी को समझ में नहीं आता क्योंकि हम सब अल्पज्ञ हैं, है ना। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो डिवोटी होते हैं, जो भगवान की कॉन्शियसनेस में होते हैं, वो ये देख पाते हैं कि जीव अपने कर्मों के अनुसार शरीर बदल ले रहा है, कभी वो मनुष्य का शरीर पा रहा है, कभी वो कुत्ते की योनि में जाता है, कभी छिपकली बनता है, है ना, जितने भी कोटियां हैं उनमें वो जाता है, 33 करोड़ उसके पास ड्रेसेस चेंज करता है, लेकिन वो जीव सेम रहता है, वो सेम जीव रहता है, लेकिन अपने कर्म के अनुसार वो कभी अर्जुन बनता है, कभी कर्ण बनता है, कभी भीष्म पितामह बनते हैं, कभी द्रोणाचार्य बनते हैं, लेकिन इसके पीछे लाइफ में भी वो थे, है ना, जैसे भीष्म पितामह वसु थे, उनको श्राप मिला था इसलिए पृथ्वी पर आए थे, तो इसी तरह से आगे भी उनका जर्नी रहेगी, है ना। तो एक सबसे पहले भगवान शाश्वतता बता रहे कि तुम अभी जिस चीज के लिए स्नेह कर रहे हो, धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो,
क्योंकि हमें करुणा जो है आत्मा के लिए करनी चाहिए, हमें करुणा शरीर के लिए नहीं करनी चाहिए। जब हम करुणा शरीर के लिए करते हैं तो हम हमेशा असमंजस की स्थिति में, बंधन की स्थिति में रहेंगे। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद कोट करते हैं कि जीव और भगवान दोनों में समानता है कि दोनों सच्चिदानंद है। तो इसलिए जीव जो है अनेक होते हैं और भगवान एक होते हैं, और भगवान उन अनेक जीवों का पालन करते हैं, कठोर उपनिषद में ऐसा कहा गया। तो यहाँ पे बताया गया है कि वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं भगवान, और ये प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा कर रहा था, क्योंकि उसने ऐसे तर्क रखे, भगवान कह रहे हैं इतना ही इनफ था। मान लीजिए अगर यमुना सुंदरी माता जी के सामने भगवान प्रकट हो जाए, हैं यमुना सुंदरी माता जी, और आपको भगवान कहे कि देखो यमुना सुंदरी आज मेरा खीर खाने का बहुत मन है, तो यमुना सुंदरी क्या करेगी, अगर भक्त होगी तो सारे काम छोड़ के खीर बनाएगी, है ना, क्योंकि भगवान का कहना ही सब कुछ है। लेकिन अगर यमुना सुंदरी माता जी की कोई बहुत पर्सनल इंटरेस्ट होगा, जो कि वो बहुत दिनों से करना चाह रही थी, वो काम उनको करने को आएगा, तो यमुना सुंदरी माता जी असमंजस करेंगे, मतलब अभी अगर मैं खीर बनाऊंगी तो ये मेरा अपनी पर्सनल जो इंटरेस्ट वाला काम है वो कैसे करूंगी, तो हम सब क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन नहीं। भगवान आप तो थोड़ी देर रुक सकते हैं, लेकिन ये टाइम चला जाएगा ना तो मेरा इंटरव्यू का सेशन नहीं होगा और हमें इतनी बढ़िया नौकरी मेरी खत्म हो जाएगी। अगर आप एक घंटे दो घंटे रुक जाओ तो मैं इंटरव्यू देके बस आ जाती हूँ, उसके बाद आपके लिए खीर बना दूंगी, आप तो रहते ही हो। गॉट द पॉइंट गौरी, हरे कृष्णा गौरी जी माता जी, यू अंडरस्टूड द पॉइंट जी माता जी। यहाँ पे अर्जुन को जब भगवान कह रहे कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए तो इतना इनफ था अर्जुन के लिए, लेकिन अर्जुन क्योंकि अभी वो उसका माइंड है वो बिवाइल्डर हो गया है। क्यों बिवाइल्डर हुआ है, क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जिन लोगों से उनके संग की बात आती है, उनके ऊपर जब कोई बात आती है तो हम सेंसिटिव हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि क्या करें। देखिए दूसरों की मृत्यु होती है तो हम उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन अपने घर में अपनों की जब मृत्यु होती है तो हम सह नहीं पाते, समझ में आ रहा है, होता है ना। तो सेम यही फिलोसफी यहाँ पे अर्जुन के सामने रख रहे हैं कि तुम, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन जिन तर्कों को बोल रहा है उसी तरह से इस समाज में भी बहुत से मायावादी होते हैं जो भगवान के सिद्धांत और प्रिंसिपल को तोड़ मड़ोड़ कर प्रेजेंट करते हैं। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान परम पुरुष है, भगवान का चिर संगी अर्जुन यहाँ एकत्र सारे राजागढ़ भी शाश्वत पुरुष है, जो मैंने आपको बताया कि भगवान भी हमेशा शाश्वत रहते हैं और ये जितने जीव हैं ये भी शाश्वत रहते हैं, क्योंकि वो सच्चिदानंद है, शरीर नष्ट होता है लेकिन एज अ जीव सभी जिंदा रहते हैं। और केवल भगवान और अर्जुन ही नहीं, ये भगवान कह रहे जितने भी लोग हैं ये सब शाश्वत हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, मैं भी था, तुम भी थे और ये लोग भी थे। तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि तुम्हें शोक करने की कोई जरूरत नहीं। मान लो एज अ भीष्म पितामह अभी उनका शरीर त्याग हो जाता है, लेकिन एग्जिस्टेंस तो उनका रहेगा ही ना, समझ में आ रहा है। और अगर तुम नहीं मारोगे उनको तब भी मृत्यु तो आएगी ही ना उनको, है ना, समझ रहे, बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर अभी कर्तव्य है तुम्हारा, धर्म के लिए युद्ध हो रहा है, ये कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध नहीं हो रहा है, ये धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए युद्ध हो रहा है, और इस समय तुम्हारा धर्म है उनको लड़के वध करना। तो अगर वो इस युद्ध में मरते हैं तो सबसे पहले तो उनकी अच्छी गति होगी, यशस्वी गति होगी, और दूसरा अगर बाय द वे तुम नहीं मारोगे तो होगा क्या, वो मृत्यु से बच जाएंगे। कोई मृत्यु से बचा है मृत्यु लोक में, नहीं, तो मृत्यु तो होगी उनकी, तो वो यशस्वी मृत्यु तो होगी नहीं। जैसे एक बहुत छोटी सी कथा है, सिकंदर था राजा, सिकंदर की कथा सभी ने सुनी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो इतना युद्ध करके पूरी दुनिया जीत के भारत में आया, भारत में भी उसने अपनी स्थापना कर ली, है ना, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई, किसी को पता है अलेक्जेंडर की मौत कैसे हुई थी, उसको कोई शायद बीमारी लग गई थी, सर में काटा था शायद। यस यमुना सुंदरी बस ये थी, माता जी शायद किसी मच्छर ने काट लिया था, हाँ उसको मलेरिया हुआ था, एक मच्छर ने काटा वो मर रहा था,
वो डॉक्टर को करोड़ों रुपए देने को तैयार था कि मुझे बचा लो, मैं ऐसा यशस्वी मौत नहीं मरना चाहता। वो कह रहा था कि मैंने देखा है कितने युद्ध में मेरे सामने मेरे सोल्जर्स मरे रहते थे और मैं जिंदा रहता था, और मैं मरूंगा एक मच्छर के काट लेने से। भारत में मच्छर बहुत होते हैं ना तो भारत आया उसको मच्छर ने काट लिया, और उससे मच्छर के काटने से उसको मलेरिया हुआ था और उससे वो मर गया। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने आप को क्या बोल रहा था, अलेक्जेंडर द ग्रेट है ना, और मरा कैसे, एक भगवान ने कहा अच्छा तुम बहुत ग्रेट हो, जरा देखे तुम्हारी ग्रेटनेस, एक मच्छर ने काटा हो, मर गया। अभी समझ में आ रही बात? तो अलेक्जेंडर के लिए एक धर्म युद्ध में मरना श्रेष्ठ था या मच्छर काट के मरना था? धर्म युद्ध में। समझ में आ रहा है मतलब? तो तीन बात भगवान ये समझाने की कोशिश करेंगे, इनकी अभी यशस्वी मृत्यु होने वाली, तुम अगर इनको शरीर तुम नहीं मारोगे तो वैसे भी मरने वाले, लेकिन स्नेह बंधन के कारण हम देख नहीं पाते। तो इसलिए प्रभुपाद बता रहे कि ये जो थिंकिंग है ये मायावादी थिंकिंग। तो मायावादी क्या फिलॉसफी देते हैं वो श्री प्रभुपाद बता रहे कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक हो जाता है और ब्रह्म में जाके लीन हो जाता है। ये मायावादी फिलॉसफी कि जब हम मर जाते हैं, ठीक है ना, मर जाते हैं तो क्या होगी, हमारी आत्मा शरीर से बाहर निकली और क्योंकि हमने भगवान की भक्ति की है तो क्या जाती है, ब्रह्मलीन होती है और जाके मिल जाती है। और जब दो चीज मिल जाती है, जैसे समुद्र है, समुद्र की बूंद है वो मिल गई, तो दोनों का अस्तित्व खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? बात समझ में आई? विष्णु अवतार प्रभु जी क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया। कि मायावादी क्या कह रहे हैं कि जब आदमी की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर त्याग के निकलती है और वो क्या करती है, जाके ब्रह्म भगवान की भक्ति क्योंकि करती है तो वो जाके ब्रह्म में भगवान की जो ज्योति है उसमें जाती है, लीन हो जाती है और अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। गौरी क्लियर हो रहा है बेटा? जी माता जी। तो ये मायावादी फिलॉसफी है, समझ में आ गया? तो शिल्पोपास कह रहे हैं कि इस सिद्धांत को मानने में बहुत सी प्रॉब्लम है। सबसे पहले बताते हैं कि भगवान यहाँ पे इस चीज की पुष्टि नहीं करते। भगवान क्या कह रहे हैं, पहले भी एग्जिस्टेंस था, अभी भी एग्जिस्टेंस है और आगे भी एग्जिस्टेंस बना रहेगा। जीव कभी भी अपना एग्जिस्टेंस खोता नहीं है, भगवान कह रहे हैं ये बात ना। विष्णु अवतार प्रभु जी बहुत सिंपल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश की। मायावादी क्या कह रहे हैं कि अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर देता है जीव। भगवान कह रहे हैं एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं होता, जीव भी रहता है भगवान भी रहता है, दोनों रहते हैं हमेशा। समझ आ रहा है? लेकिन मायावादी क्या कहते हैं, मरने के बाद जाके आत्मा जो है भगवान, जैसे आपने कई बार सुना होगा लोग बोलते हैं भगवान बहुत दुख है हमको उठा लो, अपने में मिला लो भगवान बहुत दुख है, कि मायावादी फिलोसफी कि हम मिलते नहीं है जाकर, हमारा अस्तित्व नष्ट नहीं होता। लेकिन मायावादी कहते हैं कि हम भगवान की ज्योति में जाके मिल जाते हैं और हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कृष्ण द्वारा इस चीज की तुष्टि नहीं होती है। तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे कृष्ण स्पष्टता कहते हैं कि भगवान और जीव का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण बना रहेगा। कई उपनिषद में भी इस बात को कहा गया है। फिर उसके बाद शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण का कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं होते। हम क्यों कृष्ण की बात माने, क्योंकि वो भगवान है, उनकी एनर्जी माया है और भगवान कभी माया के अधीन नहीं रहते। भगवान स्वयं परम पुरुषोत्तम है, तो वो जो भी कहते हैं वो अथॉरिटी के रूप में हम स्वीकार करते हैं, है ना, क्लियर हो रही है? इसलिए हमें भगवान की बात माननी है और मायावाद की बातें नहीं माननी। फिर और आगे श्री प्रभुपाद कहते हैं कि यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते कि वो भी भविष्य के लिए, कि मायावादी तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण तथा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर ले तो कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचाना जाए। तो मायावादी जब देखते हैं कि ये बात डिफीट हो गई कि हम ब्रह्म में जाके मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, हम हमेशा रहते हैं, हमारा भी एग्जिस्टेंस रहता है, भगवान का भी एग्जिस्टेंस रहता है, तो जब ये बात उनकी खत्म हो जाती है तो कहते हैं ये जो एग्जिस्टेंस है ना
जीवन है जो अस्तित्व है या हम जो हमारे जो एग्जिस्टेंस है ये क्या है, ये भौतिक होता है। जब तक हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं तब तक हमारा एग्जिस्टेंस रहता है, जैसे ही हम मर जाते हैं हमारा एग्जिस्टेंस खत्म होता है। यानी एग्जिस्टेंस क्या है, गड़ी मैटर मटेरियल हुआ ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि भगवान का और जीवों का अस्तित्व मटेरियल है तो आप कृष्ण को या भगवत गीता को पढ़ क्यों रहे, क्योंकि वो तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो हुई नहीं। भगवान को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो भगवान है ना। हम उनकी बात क्यों सुनते हैं या उनकी प्रिंसिपल को क्यों मानते हैं, क्योंकि वो भगवान है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। समझ में आ गई बात। तो अगर हम तो कहते हैं मायावादी का ये विचार भी खाली गया कि वो कहते हैं नहीं नहीं एग्जिस्टेंस जो होता है वो तो भौतिक होता है। तो कह रहे भैया अगर एग्जिस्टेंस दोनों का भौतिक है तो आप भगवान की बात ही क्यों सुन रहे हैं, तो भगवद गीता पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ गया। फिर यहाँ पे आगे मायावादी भी कहते हैं कि उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है ना। जैसे बताते हैं यदि तर्क किया जाए कि अस्तित्व भौतिक स्वीकार कर ले तो कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं, भविष्य के लिए भी पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की। भगवान ने बताया है मैं कैसे रहता हूँ, मैं पहले भी था अभी भी हूँ और आगे भी रहूंगा। और इसके अलावा भी भगवान ने कई तरह से बताया मैं कैसे कैसे रहता हूँ, है ना। फिर भगवान बताते हैं कि उन्होंने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित भी किया। भगवद गीता में लास्ट में भगवान कहते हैं भगवद गीता के अध्याय में ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। जो मायावादी ये सोचते हैं कि भगवान क्या है, ब्रह्म ज्योति है, इतना ही नॉलेज है उनको। तो भगवान कहते हैं ये जो ब्रह्म ज्योति है ना ये मेरे शरीर की आभा है और बहुत थोड़ा सा नॉलेज है मेरे बारे में, ठीक है। तो कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो भगवान का एग्जिस्टेंस हमेशा रहता है, चाहे ये दुनिया में प्रलय आ जाए, चाहे ये दुनिया रहे या न रहे, भगवान हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। और यदि हम उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो उनकी प्रामाणिकता तो होती नहीं, तो भगवद गीता के बाद महत्व खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के चार अवगुण होते हैं, है कि वो डूइंग मिस्टेक, सेंस उनका जो होता है वो लिमिटेड होता है, उनमें धोखा देने की प्रवृत्ति रहती है और वो क्या छूटा, चीटिंग प्रोपेंसिटी, इल्यूजन, लिमिटेड सेंस और क्या था, किसी को याद आ रहा है, इल्यूजन में रहता है, हमेशा इल्यूजन में रहता है, भ्रम में रहता है। चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है और इल्यूजन में रहता है, ठीक है ना। तो एक सामान्य व्यक्ति में मिनिमम ये चार दोष रहते हैं, जिसमें मिस्टेक करने की हैबिट होती है, उसके सेंस लिमिटेड रहते हैं, है ना, उसमें धोखा देने की प्रवृत्ति रहती है ना, और वो हमेशा इल्यूजन में रहता है। तो ये चार अवगुण होते हैं, कमियां होती है, तो वो एक प्योर नॉलेज कैसे दे पाएगा। इसीलिए आप देखिए मेडिकल वर्ल्ड में कोई भी साइंटिस्ट है वो एक थ्योरी रखता है, फिर उसको 5 साल 6 साल भी नहीं बिकते, वो थ्योरी हटा दी जाती है, उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, नई थ्योरी इस्टेब्लिश की जाती है ना, फिर नई थ्योरी रखी जाती है, फिर उसमें प्रॉब्लम आती है, फिर उसको नई थ्योरी रखी जाती है, ऐसा ही होता है ना। क्यों गौरी जी माता, ऐसे ही पढ़ा ना कि कोई एक थ्योरी होती है फिर उसको कंडेम किया जाता है, फिर उसमें कई प्रॉब्लम आने लगती है, फिर उसको हटा देते हैं, फिर दूसरी थ्योरी रखते हैं। क्यों, क्योंकि एक मनुष्य जब कोई भी, हाँ पावनी पावनी माता जी समझ में आ रहा है, हाँ जी माता जी हाँ बिल्कुल, कि जब हम कोई एक थ्योरी देते हैं तो वो थ्योरी जो है वो थोड़े मनुष्य के द्वारा अगर दी जाती है तो परफेक्ट नहीं होती, नहीं हाँ जी, लेकिन हाँ। भगवान अगर कोई थ्योरी देते हैं तो वो हमेशा चलती है। जैसे भगवान ने एक बार ज्ञान दे दिया भगवद गीता का और वो ज्ञान एज इट इज चली रहा है और सभी चीज वैसी ही है, कुछ बदला नहीं है, है ना। भगवान कहते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है जीवों से, तो वो 1000 साल पहले भी सत्य था और 1000 साल बाद भी सत्य रहेगा और अभी भी सत्य है। तो ये हुआ ना परफेक्ट नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज। और ऐसा नहीं कि अमेरिका में नहीं होगा, न्यूजीलैंड में नहीं होगा, है अफ्रीका में, क्या ये प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा पावनी माता जी, नहीं अमेरिका के लोगों के लिए भी वही सिद्धांत रहेगा,
समझ रहे हैं, अफ्रीका के लोगों को भी होगा, पाकिस्तान के लिए, भूटान के लिए, है ना, आंध्र प्रदेश के लिए, है ना, सब जगह सेम रिजल्ट रहेगा ना। हाँ जी हाँ, जीव जो है वो नाशवान, जीव का जो शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा अमर रहे, ठीक है ना, ये बात सब जगह लागू होती है। तो यानी भगवान का नॉलेज देखिए कितना परफेक्ट है ना, क्योंकि भगवान में चार दोष नहीं पाए जाते, इसलिए भगवान की जो वाणी है वो सर्वश्रेष्ठ होती है, इसलिए गीता का महत्व है। ठीक में आ रहा है, समझ में आ रही बात। तो फिर मायावादी कहते हैं ये तो हमारी सारी बात ही डिफेक्ट होती जा रही है, तो फिर वो एक और लॉजिक लगाते हैं कि मायावादी तर्क करते हैं कि ये जो द्वैत बताया गया कि जीव और भगवान का, ये द्वैत जो है वो सांसारिक है, लौकिक, शरीर के लिए सृष्टि किया गया। किंतु इसके पहले श्लोक में ऐसे निंदा की गई, अभी पिछले श्लोक में भगवान ने कहा है कि शरीर के लिए जो तुम शोक कर रहे हो ये शोक करने के लायक नहीं है ना, और जिसके लिए तुम्हें शोक करना चाहिए उसके लिए तुम शोक नहीं कर रहे। तो पिछले श्लोक में भी भगवान ने देह के लिए शोक करने के लिए निंदा की है, तो इस श्लोक में देह को फिर से वापस एस्टेब्लिश क्यों करेंगे भगवान, समझ आ गया। इसलिए मायावादी की ये भी फिलॉसफी जो है खत्म हो जाती है। अतः ये अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है, इसकी पुष्टि रामानुज भी कहते हैं। इसीलिए जो ये एग्जिस्टेंस है हमारा भौतिक नहीं है, हमारा एग्जिस्टेंस आध्यात्मिक है, यानी हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ठीक है ना। ये फिलॉसफी हमारे जो जितने आचार्य लोग हैं वो लोगों ने स्वीकार की है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं वो जो है इन तर्क वितर्कों को नहीं मानते। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेश को समझने का प्रयास कैसा है, जब अभक्त लोग हैं वो गीता को कैसे समझते हैं, जैसे मधुमक्खी है और उसको एक शहद की बोतल दे दी जाए और शहद की बोतल में ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, तो वो मधुमक्खी जो है बोतल के ऊपर जाएगी, इधर करेगी, ऐसा लगेगा वो खा रही है, लेकिन वो शहद खा पाएगी नहीं। बस तो मायावादी कभी भी भगवान को समझ नहीं पाते, वो शहद की बॉटल की तरह रहते हैं और ढक्कन बंद रहता है, वो भगवान को नहीं समझता। भक्त जो है शहद आराम से खाते हैं, उंगली से निकाल निकाल के, तो उनको पता होता है कि भगवान का मतलब क्या होता है ना। तो भगवान को भगवान एकदम सीधे सीधे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस स्नेह के कारण तुम युद्ध करने से मना कर रहे हो, तुम हमेशा थे, हो और रहोगे, और मैं भी हमेशा था, हूँ और रहूंगा, तो शोक करने की जरूरत नहीं। अगर भीष्म पितामह का शरीर नष्ट भी हो जाता है तो इससे बेटर उनको शरीर प्राप्त होगा और वो वसु के लोक में वापस चले जाएंगे और अपना जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे ये जगह से निकल जाएंगे। तो ये शोक का विषय है कि हर्ष का विषय है, हर्ष का विषय है ना। तो बस वही बात है यहाँ पे। तो अतः मायावादी के जो तर्क है ये भ्रामक है। मायावादी कहते हैं कि हम जाएंगे भगवान में जाके मिल जाएंगे, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, एग्जिस्टेंस हमेशा रहता है और एग्जिस्टेंस कभी भी जाके जीव मिल नहीं सकता, जीव भी रहता है और भगवान भी रहते हैं, जीव और भगवान मिल जाने पर भी अलग अलग रहते हैं, ठीक है ना। तो वो लोग एग्जाम्पल देते हैं, पानी की एक बूंद अगर पानी में गिरा दीजिए तो फिर वो बूंद को आप अलग कर सकते हैं नहीं, मिल गए, तो ये मायावादी बोलते हैं। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो नदी है, पानी की बूंद है कि आप चर्चा कर रहे हैं, तो नदी जो है जब सागर में जाके मिलती है तो नदी में मगरमच्छ रहते हैं, मछली रहती है, खाली पानी थोड़ी होता है ना, कई छोटे छोटे जलचर होते हैं, है ना, वेरी क्लियर हो रहा है, कछुआ भी होता है। तो वो जब जाके सागर में मिलता है तो कछुआ शार्क बन जाता है नहीं, नहीं माता जी, जो कछुआ नदी में था तो वो जाके वहां के कछुए से मिल जाता है नहीं, नहीं एग्जिस्टेंस रहेगा ना जी। हाँ, विष्णु प्रताप प्रभु जी, माता जी वो अभी बैल बजी, पापा गेट खोलने हैं, आप समझ रहे हो पामनी माता जी, यमुना माता जी, हाँ जी, क्लियर हो रही है बात, हाँ जी हाँ। तो क्योंकि हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है इसलिए हम लोग भी कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पानी की एक बूंद को अगर पानी में डाल दिया जाए नदी में तो वो तो मिल जाएगी, हाँ। तो हम भी जाएंगे भगवान में मिल जाएंगे। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं तो ऊपरी नॉलेज है,
अगर नदी जो है सागर से जाके मिलती है तो नदी के जो जीव जंतु हैं, मगरमच्छ हैं, मछलियां हैं, ये जब सागर में जाके मिलती तो क्या इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है? इनका एग्जिस्टेंस एज इट इज रहता है, एज इट इज रहता है, रहता है ना। वो मगरमच्छ जो है बड़े जल में सागर में जाके मिल जाएगा लेकिन मगरमच्छ ही रहेगा ना। इसी तरह जीव, जीव जब भगवत धाम जाता है तब भी उसका एग्जिस्टेंस हमेशा। विशेष रूप से कहते हैं कि भगवान चैतन्य मायावादी द्वारा गीता की व्याख्या को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि मायावादी दर्शन को नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि इनकी फिलॉसफी जो है निम्न ज्ञान से, इसलिए इस तरह की थ्योरी को नहीं पढ़ना चाहिए। तो माया का मतलब, मायावादी फिलॉसफी का क्या मतलब है, ये भगवान को माया मानते हैं, ये कहते हैं भगवान और जीव एक है, भगवान और जीव कभी एक नहीं है, इसको मायावादी फिलॉसफी मानते हैं, है ना। भगवान को माया मानते हैं, माया के अधीन मानते हैं, है ना, इसीलिए वो सब सारे क्रिटिसाइज करते हैं। तो हमारी फिलॉसफी का, वैष्णव फिलॉसफी क्या कहती है, भगवान और जीव जो है एक भी है लेकिन अलग भी है, अचिंत भेदा भेद, है ना। गुण में हम भगवान के समान है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन गुण में भी हमारा भेद होता है ना। गुण में एक होता, एक मास्टर होता है और एक उसका सबॉर्डिनेट होता है, गुण में भी हमारा भेद है और मात्रा में तो बहुत ही भेद है ना। प्रीडोमिनेटर होता है और एक डोमिनेटर होता है, ऐसे होता है। तो इस तरह से जीव और भगवान में भेद है भी और भेद नहीं भी है, लेकिन मायावादी कहते हैं नहीं, भगवान और जीव सब माया है, सब माया है। तो इसलिए कभी भी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते और इस श्लोक की अलग अलग व्याख्या करते हैं और कहीं और कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं। आप ब्रह्म कुमारी से ये भगवद गीता पढ़ेंगे तो पता नहीं कब आप शिव जी पर आ जाएंगे और फिर आप गणेश पर आ जाएंगे, फिर आप पता नहीं कौन सी देवी देवता, फिर पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, इसका ये कंक्लूजन निकलेगा उनके हिसाब से। जबकि इस भगवद गीता में कहीं नहीं कहा गया कि कोई शिव जी है या भगवान, वो भगवान है, ऐसा कहीं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं। लेकिन मायावादी जो है वर्ड की जगलेरी के साथ खेलते हैं और अपनी व्याख्याएं लगाते हैं, और यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं हमें अपनी व्याख्याएं नहीं लगानी चाहिए क्योंकि मिनिमम हमें चार दोष होते हैं, हमें भगवान जो कह रहे हैं उसको सुनना चाहिए। तो भगवान सिंपल बात कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम भी थे, मैं भी था, हूँ और रहूंगा और बाकी ये सब भी रहेंगे। तो क्या मतलब है कि भगवान भी सदैव रहते हैं, जीव भी सदैव रहता है और दोनों का एग्जिस्टेंस रहता है, और इससे ये भी सिद्ध होता है कि जीव कभी भगवान नहीं बन सकता क्योंकि भगवान हमेशा भगवान रहता है। क्लियर हो गया ना, कितना सिंपल थ्योरी है। तो प्रभुपाद यहाँ पे यही चेतावनी दे रहे कि मायावादी भाष्य शून्य हुए सर्वनाश, चैतन्य महाप्रभु ने साथ साथ कहा है कि मायावादी फिलोसफी नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं तो हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे और भगवान को भौतिक मान लेंगे और हम कभी भी भगवान को, भगवान की सत्ता को नहीं समझ सकेंगे, ठीक है। फिर वो कहेंगे भगवान का आकार नहीं होता, आप कोई भी धर्म को मान लो, किसी को भी मान लो, किसी भी देवी देवता को मान लो, सब एक ही जगह जाना है। कैसे एक जगह जाना भैया, आपने कलकत्ता का टिकट कटाया है तो गौरी हम कलकत्ता पहुंचेंगे कि श्रीनगर पहुंच जाएंगे? कलकत्ता माता जी। क्यों क्यों, जिस डेस्टिनेशन पर हमें जाना है हमने वहीं का टिकट कटा रखा है, टिकट कटाया था। लेकिन मायावादी तो कह रहे हैं कि हम चाहे श्रीनगर के फ्लाइट में बैठे चाहे कलकत्ता की फ्लाइट में बैठे, हम सब एक ही जगह पहुंचेंगे। समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है। अगर सबकी डेस्टिनेशन एक ही होती तो इतने सारे प्लेनेटरी सिस्टम्स क्यों बने, स्वर्ग भी है, नरक भी है, पितृलोक भी है, है ना। देखिए कितने प्लेनेटरी सिस्टम है, 14 प्लेनेटरी सिस्टम है ना, उसके बाद स्पिरिचुअल है, तो इतने प्लेनेटरी सिस्टम की जरूरत क्या थी अगर सब एक ही डेस्टिनेशन में पहुंच रहे होते तो? सोचना चाहिए ना। अब मतलब हम किसी को देखे, हम मान लीजिए यहाँ पे अपने देखे मटेरियल वर्ल्ड में तो हम देखते हैं कि बहुत से जेल खाने बने हुए हैं, ये भी बने हुए हैं, लेकिन बहुत से रेसिडेंस भी बने हुए हैं, तो मतलब हम कहेंगे कि नहीं ये ना जेल खाने ऐसे ही बने, ऐसे ही कैसे बने रहेंगे, मतलब बिना किसी पर्पज को सॉल्व रखा जा रहा है, उसको मेंटेन किया जा रहा है। उसमें जो लोग
स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं मानते उनको रखा जाता है ना, जो रूल फॉलो नहीं करते उनको रखा जाता है, उनको पनिशमेंट भी जाती है ताकि वो सुधर के एक अच्छे नागरिक बन सके, है ना। ऐसा कहने नहीं, ये जेल बने हुए, ये जो बने हुए जो सिस्टम चल रहा है ये कुछ नहीं, तो सोचना चाहिए। तो अगर प्रभुपाद ये नॉलेज ना दें तो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते और इन्हीं थ्योरी को मान रहे होते। लेकिन इन थ्योरीज के पीछे कितना खतरनाक इरादा है, सिस्टमेटिकली हमें सिखाया जाता है कैसे हम भगवान के एग्जिस्टेंस को खत्म करते हैं। तो हमारा सारा नॉलेज, हमारी सारा जो अभी प्रक्रिया है वो इस तरीके से किया जा रहा है कि सिस्टमेटिकली हम भगवान को मतलब इस सिस्टम में जब हम जाते हैं, एक जो अभी एजुकेशन सिस्टम है जो भी, इसमें खड़े होकर हम यही कहते हैं भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, सब कुछ प्रकृति अपने आप कर रही है, ये सब माइथोलॉजी है। क्योंकि भगवान को हम कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ रहे, हम भगवान को अपने जैसा समझ रहे हैं कि वो करे तो रास लीला, हम करे तो करेक्टर लीला, कहाँ समझ रहे हैं कृष्ण, है ना। शिव जी को फॉलो कर रहे हैं तो उनके साथ मदिरा पान कर रहे हैं, इंटॉक्सिकेशन ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, हम शिव तत्व को कहाँ समझ रहे हैं, हम दुर्गा तत्व को कहाँ समझ रहे हैं, हम गणेश तत्व को कहाँ समझ रहे हैं। दिस इज वेरी डेंजरस सिचुएशन, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ वैष्णव फिलोसफी। हमें मायावादी का नहीं सुनना चाहिए, सही फिलोसफी सुननी चाहिए। तब क्या होगा, जब हम सही फिलोसफी सुनेंगे तो ये श्लोक पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, ये भगवान ने बताया रहा है कि तुम भी अर्जुन पहले थे, अभी भी हो और आगे ही रहोगे, मैं भी था, हूँ और रहूंगा, तो शोक करने का कोई विषय नहीं है। तुम जो स्नेह के कारण तुम युद्ध नहीं कर रहे हो तो तुम ये बेवकूफी कर रहे हो, आगे चल के तुम्हारा हाथ होगा, लोग मजाक बनाएंगे कि अर्जुन जैसा महान व्यक्ति युद्ध छोड़कर भाग गया, तुम्हारा उपहास करेंगे और वो अत्यंत निंदनीय है। ठीक है, क्लियर हो गया बात, समझ में आ गई कि किस तरह से मायावादी इस श्लोक पर अपनी बातें रखते हैं। तो श्री प्रभुपाद बता रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान और जीव मर्ज नहीं होते, एग्जिस्टेंस हमेशा बना रहता है। किसी का कोई प्रश्न है माता जी? सिंपल तौर पे हाँ माता जी, ये बीच में एक लाइन लिखी है, मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णन द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, मतलब इसका? हाँ बताया नहीं मैंने, द्वैत मतलब टू, लौकिक माने ये इस जगत का, जीव और भगवान, शरीर और आत्मा, हाँ जी हाँ जी, ये द्वैत है ना, हाँ जी। तो ये क्या है, ये मटेरियल, अच्छा अच्छा, ये स्पिरिचुअल इनका एग्जिस्टेंस नहीं है। अच्छा, कृष्ण जो है ये माया है, अच्छा। हमारे ही तरह है, थोड़े से महान व्यक्ति है, ठीक है। तो प्रभुपाद करे अगर कृष्ण हमारे जैसे हैं, मटेरियल हैं, तो उनकी बात ही क्यों सुने हम, भगवद गीता क्यों पढ़े हम। अगर भगवान सर्वश्रेष्ठ नहीं होंगे तो उनकी बातों को महत्व क्यों दिया जाएगा। तो हम एग्जिस्टेंस को, द्वैत को लौकिक नहीं मान सकते। यहाँ दो बात करें, तुम भी थे मैं भी था, भगवान ऐसा थोड़ी कर रहे थे, पहले हम दोनों थे, उसके बाद तुम आए, उसके बाद तुम जब मेरे पास आ गए तो फिर हम दोनों एक हो गए, ऐसा बोला भगवान ने? नहीं नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, हूँ और भविष्य में भी तुम रहोगे। हाँ जी, यानी मैं भी रहूंगा, तुम भी रहोगे और ये सारे भी रहेंगे। भगवान कहीं मर्ज करने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, कर रहे हैं? नहीं, यही बात, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे चले, एक श्लोक और कर लेते हैं, 13 श्लोक है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्ति, तथा देहांतर प्राप्ति, देह तत्र न मुह्यति, देह तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था से वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। मृत्यु होने पर आत्मा क्या करता है, दूसरे शरीर में चला जाता है। तो धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता,
क्योंकि अर्जुन को मोह हो रहा है ना कि मेरे सारे लोग मर जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा अकेला, है ना। तो भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये जो शरीर है, ये शरीर में स्टेजेस होते हैं। हम पहले छोटे से बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर युवा होते हैं, है ना, फिर वृद्धावस्था आती है, फिर मृत्यु भी आती है। तो जैसे हम जब छोटे थे ना, गौरी जब छोटी सी थी, 2 ईयर्स की थी, वो फोटो और अभी की फोटो में सेम अंतर हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे इस श्लोक में, देहिनो अस्मिन् यथादि। तो धीर व्यक्ति कौन है, जिसको नॉलेज होता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और ये जगत क्या है, इसके बारे में जिसको पूरा नॉलेज होता है उसको धीर कहते हैं। तो मायावादी का जो फिलॉसफी है, एकात्मवाद फिलॉसफी, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एकात्मवाद फिलॉसफी क्या है कि अगर कोई भी चीज है उसको खंड खंड कर दिया जाता है तो उस चीज का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो यही चीज वो आत्मा के ऊपर भी लगा देते हैं कि अगर हम आत्मा या परमात्मा जो है उनको भगवान सब जीवों में चले गए तो उनका अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तो आप मेटीरियल वर्ल्ड में भी देखिए, अगर कोई व्यक्ति है उसने 10 बच्चे पैदा किए तो क्या उसका जब विस्तार हुआ 10 बच्चों में तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया? नहीं। हाँ पावरी माता जी? नहीं माता जी नहीं। विष्णु अवतार प्रभु जी? नहीं माता जी। इसी मेटीरियल वर्ल्ड में ये भी तो अनुभव है ना। हाँ जी। क्यों गौरी आई? गौरी जी माता जी क्लियर हो रही है फिलोसफी? मेटीरियल वर्ल्ड में भी आप ये देख सकते हैं प्रतिबिंब दो बार। एकात्मवाद का सिद्धांत जो है भगवान के लागू नहीं होता, है ना। कि आप एक पिता है वो 10 बच्चों को पैदा करता है, उसी का विस्तार रहते हैं लेकिन फिर भी पिता का जो एग्जिस्टेंस है बना रहता है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में भी आप सूर्य को देखिए, सूर्य जो है अपने की किरणें निकलती रहती हैं सूर्य में से, तो क्या सूर्य में छेद हो जाता है? नहीं हो। आप करोड़ों साल से निकलती रहेंगी और करोड़ों साल तक निकलती रहेंगी क्योंकि भगवान की ब्रह्म ज्योति है। क्योंकि इतने दिन से सप्लाई हो रहा है जिसका थोड़ी मतलब है कि वहां पे स्ट्राइक हो जाएगी फिर वहां पे छेद हो जाएगा क्योंकि इतने दिन से सप्लाई हो रहा था। ऐसा अनुभव हुआ है आपको कभी? नहीं। तो भगवान पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत होता है। अब प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत क्या है कि जैसे आकाश में चांद है, तारे हैं, दिखाई दे रहे हैं, सूरज है, दिखाई दे रहा है आकाश में, उनकी परछाई जब जल में पड़ेगी तो क्या जल में तारे और चांद एक हो जाएंगे, मर्ज होके दिखाई देंगे? नहीं माता जी। कैसे दिखाई देंगे गौरी? अलग अलग माता जी। अलग अलग दिखाई देंगे। और विष्णु अवतार प्रभु जी, चांद और सूरज के ऊपर अगर आकाश में है और नीचे परछाई में चांद और सूरज एक हो जाएंगे? नहीं अलग 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 ही होंगे। और तारे? सब अलग अलग सेपरेट दिखाई देंगे ना। ऐसा तो नहीं कि जल में प्रतिबिंब अलग दिखाई देगा, नहीं है ना। तो प्रतिबिंब का सिद्धांत भगवान पे लागू होता है। क्या है कि जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो बिंब में सूर्य चंद्र सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीव से की गई है और सूर्य चंद्रमा भगवान है। तो व्यष्टि आत्मा अर्जुन के रूप में और परमात्मा को भगवान के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पे होते, मतलब दोनों, मतलब भगवान और जीव हमेशा दो रहते हैं, चाहे वो मुक्त अवस्था में हो, यानी कि जीव भगवान बन जाएगा, जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। ये बात है प्रतिबिंबवाद सिद्धांत है। जीव भी भगवान सदैव भगवान रहते हैं और जीव सदैव जीव रहता है। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि हाँ मुक्त हो जाएगा तो वो भगवान बन जाएगा, या कुछ क्वालिटी डेवलप कर लेगा, कुछ तपस्या कर लेगा तो वो भगवान बन जाएगा। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। तारे हमेशा तारे की तरह ही प्रतिबिंब में दिखाई देंगे और सूरज हमेशा सूरज ही दिखाई देगा। दोनों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो अगर हम भगवान को और जीव को समान स्तर पर मान लेंगे तो भगवत गीता का महत्व ही खत्म हो जाएगा, है ना। कि हम क्यों भगवान को उपदेशक के रूप में सुने, ये तो हमारे ही जैसे हैं, है ना। समझ में आ रही बात? इसलिए
भगवान और जीव में अंतर होता है। भगवान सदैव श्रेष्ठ रहते हैं और जीव हमेशा निकृष्ट रहते हैं। यह भी श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि उपदेश उपदेशक और उपदिष्ट, उपदेशक में जो उपदेश दे रहा है और उपदिष्ट यानी जिसको दिया जा रहा है इंस्ट्रक्शन, जिसको दिया जा रहा है का संबंध अर्थहीन हो जाएगा। यदि दोनों माया के मोहित हैं तो एक को उपदेश तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ और कृष्ण भी नॉर्मल व्यक्ति हैं, वो भी कंफ्यूज हो गए, घबरा गए, तो फिर अर्जुन किससे सलाह पूछेगा? जब भगवान नहीं नहीं घबराएंगे, भगवान सद भगवान रहेंगे, माया अतीत रहेंगे, तब तो अर्जुन उनसे पूछ रहा क्या करूं मैं। तो ये बात, तो ऐसी परिस्थिति में मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं और जो पद में माया द्वारा विस्मृत व्यक्ति है वो जीव है, वो अर्जुन। जीव हमेशा माया के चक्कर में पड़ जाता है, लेकिन भगवान माया में आके भी मायापति रहते, समझना होगा ये सब सिद्धांत है ना, नहीं तो मायावादी की तरह हम लोग एकात्मवाद सिद्धांत मानेंगे। हाँ ठीक है, सही बात बोल रहा है, भगवान जो है वो एक थे, वो मतलब ठीक थी, लेकिन सबके अंदर परमात्मा के रूप में चले गए, तो भगवान बट गए, उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, भगवान लाइट नहीं, भगवान का प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत है। किसी भी परिस्थिति में जीव और भगवान अलग अलग ही रहते हैं, तभी वो भगवान है, उनका हमेशा महत्व, जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। फिर अस्सी क्लियर हो गई। तो चाहे विष्णु अवतार नाम रख दिया जाए लेकिन वो दासी रहे, है ना विष्णु अवतार जी? बिल्कुल माता जी कहते हैं विष्णु अवतार बोलने से थोड़ी आप विष्णु अवतार हो जाए। माता जी कहते अर्जुन के जो है कहते सवालों के जवाब वो कहते भगवान कृष्ण है जो उन्होंने कहते दिया, वरना दूसरा हाँ। तो कोई कहता है डगमगा जाता, वो ऐसे दे ही नहीं सकता था, वो खुद ही डर जाता है। तो हम भी बैठ जाते, तुम भी बैठ जाओ, कौन युद्ध करने वाला है? हाँ भाई हाँ, आप ठीक बोल रहे हो, ठीक है हम भी बैठ जाते हैं। आप सोचिए आप गुरु के पास जाइए मृत्यु का भय लेके या कोई प्रॉब्लम लेके, और वो खुद ही डर जाए तो वो आपको क्या सजेशन देंगे? गुरु का मतलब होता है भारी, जो इन परिस्थितियों को देखता है, जानता है, उसको पता है क्या है, धीर व्यक्ति होता है, उसको पता है आत्मा ये होती है, तो उसको ज्यादा फिलोसफी झाड़ी तो बोलता है कि देखो भगवान पर एक आत्मवाद का सिद्धांत लागू नहीं होता। ये भौतिक जगत का नॉलेज है कि हाँ यहाँ पे कोई चीज को तोड़ो काटो तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म होता है, तो भगवान ऐसे थोड़ी होते हैं। भगवान को भगवान और हमेशा भगवान ही रहते हैं, भगवान कभी अस्तित्व समाप्त नहीं था। जीव जो है ऐसा नहीं कि तपस्या करेगा कल को जाके कल भगवान बन जाएगा, जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये सब फिलोसफी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता होनी चाहिए। जैसे कोई कहे कि हम जो मर जाएंगे, मरने के बाद जो कहेंगे मुक्ति के बाद क्या होगी, हम जाके भगवान में मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे भगवान में? भगवान मिल जाएंगे तब का एग्जिस्टेंस थोड़ी खत्म हो जाता है। अब एक हरा पेड़ है, दो हरे तोते हैं, उसमें जाके दूर से लगता है कि हरा तोता जाके उसमें मिल गया। अभी पेड़ पर तो दोनों ही बैठे होंगे ना, अब पेड़ भी होगा हरा, मिला कहा, दूर से देखने भी लगता है, समझ में आ रहा है? तब कोई कहे कुछ भी रास्ता अपना लो, सबका एक ही लक्ष्य है, सबको पता होना चाहिए हम कलकत्ता का टिकट खरीदेंगे तो कलकत्ता जाएंगे, अमेरिका खरीदेंगे तो अमेरिका जाएंगे, स्विट्जरलैंड नहीं चले जाएंगे। तो यदि हम किसी देवी देवता की साईं बाबा की पूजा करेंगे तो हम गोलोक धाम नहीं जाएंगे, है ना? समझ में आ रही है? तो फिलोसफी बहुत इंपॉर्टेंट है, और भगवान को कभी भी माया का नहीं माना। जैसे कोई कहे भगवान, अरे कृष्ण ने तो ऐसे किया, भगवान ने, भगवान है भैया, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम जीव हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे शिव जी के लोग कहते हैं अरे वो हम, क्योंकि हम शिव भक्त हैं, तो गांजा रफीम शराब सब आराम से पी सकते हैं, है ना? अच्छा शिव जी ने विष भी पिया था, वो भी पी लो तो वो नहीं पियेंगे जी, नहीं धतूरा तो खाएंगे, लेकिन वो कांटा वाला जो निकला था वो नहीं खाएंगे, नहीं वो भी खाओ, बेलपत्ती भी खाओ, नहीं हम धतूरा खाएंगे। तो ये तो फिर अन्याय हो गया, ये तो फिर हुआ नहीं, मतलब जो अपनी काम की थी तो उसको निकाल लेंगे और जो है बाकी छोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी होता है।
नहीं हम तो हिमालय चले जाएंगे, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोग झेलो, तुम लोग माया माया में हो, हमको बंधन में डाले हुए हो तुम लोग, पैदा हमने किया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोग निभाओ क्योंकि तुम लोग माया में हो। ऐसा नहीं है ना, तो समझना चाहिए ये सब थ्योरीज हैं, बहुत आराम से हमें क्लियर होनी चाहिए। इससे इस सबको मैंने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया आप लोगों पर। कभी कोई कहता है भगवान पे एकात्मवाद का सिद्धांत, तो हमें समझना चाहिए कि वो मायावादी सिद्धांत है ना, भगवान है लेकिन बटने पर भी भगवान बने रहते हैं। वन माइनस वन भी वन होता है, वन प्लस वन भी वन ही होता है, ये होती है स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। क्लियर हो गया? भगवान हमेशा रहते हैं। ओके थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। तो कृपया इसको फिर से पढ़िएगा, पढ़ समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोग समझ सके, और कोई डाउट होगा तो क्लियर। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् गीता की जय, श्री गुरु परमानंद हरि हरि।